शुभ संध्या सभी दर्शकों को, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक नए वीडियो में। हर नए वीडियो के साथ हमें एक नई यात्रा पर, कुछ नए लोग, कुछ नए रास्ते, कुछ नई मंजिलें। आज के सफ़र में आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो नेचर ने खुद अपने हाथ से बनाई और संवारी है। एक ऐसी जगह जहां पर मानव जाति का दखल अभी भी ना के बराबर है। एक ऐसी जगह जहाँ की खोज भी एक यात्रा के कारण ही हुई थी। लोक कथा के अनुसार वहाँ आज भी देवताओं का वास है। एक ऐसी जगह जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुकी है। आइए लेके चलते हैं आपको एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड की ओर। इस सफर की शुरुआत होती है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से कस्बे कर्णप्रयाग से। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर को यहाँ पर कर्णगंगा भी कहा जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ के दर्शनीय स्थल कर्ण मंदिर और उमा मंदिर हैं। यह जगह पंचप्रयाग में से एक है। अभी यहाँ पर पहुँचने का एकमात्र साधन रोड द्वारा ही है, पर आने वाले कुछ सालों में यह कस्बा रेल मार्ग से जुड़ जाएगा, तब आप यहाँ पर रेल के माध्यम से भी आ सकते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 35 किलोमीटर की दूरी पर एक और कस्बा पड़ता है जिसे हम चमोली के नाम से जानते हैं। चमोली से ही एक रास्ता चोपता की ओर जाता है जहाँ पर शिवजी का दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर बना हुआ शिव मंदिर है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते अपनी मंजिल की ओर। इसका अगला पड़ाव आता है जोशीमठ, जो कि अभी बहुत सुर्खियों पर है, जहां पर अभी भारी मात्रा में या हम कहेंगे कि बहुत त्रासदी चल रही है। अभी भूस्खलन वहां पे अभी चल रहा है। ये वही जोशीमठ है। जोशीमठ से विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन औली मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप अगर जोशीमठ विजिट करते हैं तो यहाँ से औली भी जा सकते हैं। जोशीमठ से NH7 होते हुए हम पहुँचते हैं गोविंद घाट, जो कि यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम स्थल पर बना हुआ है, और यहीं से हमारी यात्रा आज की शुरू हो जाती है। यहाँ से आप पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं, या एक दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे पुल्ला गाँव तक आप टैक्सी या अपने व्हीकल से जा सकते हैं। वहाँ तक अभी रोड बन चुकी है, यहीं से हमारा पैदल सफ़र शुरू हो जाता है 13 किलोमीटर का घांगरिया के लिए। तो इस सफ़र में पूरा दिन लगभग लग जाता है। आप शाम को घांगरिया पहुँचते हैं। घांगरिया में GMBN के गेस्ट हाउस हैं और कई प्राइवेट गेस्ट हाउस भी हैं। वहाँ पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप वहाँ पर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं और रहने खाने का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला वहाँ पर। अगली सुबह होती है हमारी घांगरिया पे, और घांगरिया से हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की मंजिल की ओर, जो है फूलों की घाटी। जी हाँ, सही सुना आपने, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी में प्रवेश के लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन का एक आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर आप भारतीय हैं तो वहीं पर फॉरेनर के लिए या 600 से 800 रुपये पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है, और ये आपको घांगरिया से थोड़ी सी दूर लगभग 150 मीटर आगे बढ़ते हैं आपको एक इसका गेट मिल जाता है, वहीं पर आपका चार्ज ले लिया जाता है, तब जाके आपकी फूलों की घाटी में एंट्री होती है। यह पास 3 दिनों के लिए वैलिड रहता है, पर शाम को आपको, अगर आपको 3 दिन लगातार वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाना है, तो शाम को आपको घांगरिया वापस आना होता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट स्टे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फूलों की घाटी का ट्रैक पुष्पावती नदी के किनारे किनारे लगा हुआ है। लोक कथा के अनुसार पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने बहुत सारे पुष्पों को, यानी कि फूलों को, नदी में बहकर आते हुए देखा था, तब से इस नदी का नाम पुष्पावती पड़ गया। फूलों की घाटी की खोज एक भटके हुए पर्वतारोही दल ने की थी। हुआ यूं कि 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और
आरएल होल्सवर्थ नाम के दो जो हमारे पर्वतारोही थे कामेट पर्वत के सफल अभियान से वापस आ रहे थे, तो वो वापसी में अपना रास्ता भटक गए और भटक कर इस घाटी में पहुंचे। फ्रैंक एस स्मिथ इस घाटी की सुंदरता को देखते हुए इतने प्रभावित हुए कि वे 1937 में वापस इस जगह पर आए और उन्होंने 1938 में वैली ऑफ फ्लावर के नाम से एक बुक लिखी। तभी से यह जगह देश और विदेश, हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में यह जगह प्रसिद्ध है वैली ऑफ फ्लावर के नाम से। टिपरी ग्लेशियर से चारों ओर से घिरी हुई यह घाटी 2 किलोमीटर चौड़ी और 8 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर 500 से ज़्यादा प्रजाति के फूल पाए जाते हैं, जिनमें एनीमोन, जर्मेनियम, मार्स, मोरिन, स्ट्रॉबेरी और ट्रोलियस प्रमुख हैं। यहाँ पर कुछ लुप्तप्राय जीव भी पाए जाते हैं। लुप्तप्राय जीव वो होते हैं जो अभी या तो जिनकी संख्या इतनी कम होती है कि वो समाप्ति के कगार पर होते हैं, या फिर एक खास रीजन पर ही आप उनको देख सकते हैं। ये लुप्तप्राय जीव कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हैं काला भालू, हिम तेंदुआ, भरल और भूरा भालू। यह घाटी अक्टूबर से मिड मई तक लगभग पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ आने का सही समय जून से सितंबर लास्ट तक का है। अगस्त के महीने में यहाँ की खूबसूरती अपने चरम सीमा पर रहती है। आप उस समय यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। उसी समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं। इसकी खूबसूरती के कारण ही 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। इससे यह भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह जगह प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पर लगभग पूरी दुनिया से पर्यटक पहुँचते हैं, जिनमें फॉरेनर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस घाटी में अभी भी देवताओं का वास है। 1939 में एक पर्यावरणविद जॉन मार्गेट यहाँ पर फूलों और पेड़ पौधों की रिसर्च के लिए आई थी, जिनकी रिसर्च के दौरान ही इसी घाटी में फिसलने से मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी बहन ने उनकी एक कब्र वहीं पर बनवाई। उन्हीं की कब्र पर एक स्मारक छोटा सा वहाँ पर बना हुआ है। यह घाटी लगभग हर हफ्ते अपना रंग बदलती है जब अपने चरम पर ये रहती है। इसका मतलब कि हर हफ्ते यहाँ पर नए फूल खिलते हैं। अगले दिन आप घांगरिया से हेमकुंड की यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। उन्होंने यहाँ पर कई वर्षों रहकर महाकाल की आराधना की थी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,200 मीटर है। यह स्थल चारों ओर से ग्लेशियर से ढका हुआ है। इसी ग्लेशियर से निकला पानी यहाँ पर जलकुंड का रूप ले लेता है और इसी कुंड को हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड भी कहा जाता है। सिखों की अपार श्रद्धा होने के कारण यहाँ पर हर वर्ष हजारों की संख्या में सिख आते हैं इस यात्रा पर। ये उनका एक पवित्र धर्म स्थल है। इसी के साथ में एक लक्ष्मण मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। लगभग 2 सदी तक यह जगह पूरे विश्व से छुपी रही। श्री वीर सिंह जी ने एक पुराने ग्रंथ को पढ़कर उसी के द्वारा दिशा निर्देश में खोज करके 1934 में इस जगह की खोज की थी और 1937 में यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आज एक गुरुद्वारा स्थापित है जो कि दुनिया के सबसे जाने माने गुरुद्वारों में से एक है। तो अगर आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप फूलों की घाटी के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी जा सकते हैं, और आपको जाना भी चाहिए क्योंकि यह दोनों यात्रा आपको रोमांच और सुकून से भर देंगी। आशा करते हैं वीडियो में दी गई सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक के बटन को हिट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने सुझाव
कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख सकें जल्दी से। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।